रिश्वतखोरी के खिलाफ एक्शन मोड में चल रही लोकायुक्त रीवा की टीम ने लगातार दूसरे दिन जिले में ट्रैप कार्रवाई करते हुए जनपद पंचायत मैहर के एक अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर जियाउल हक ने बताया कि ठेकेदार सुरेश गुप्ता निवासी घोरवाई के द्वारा जनपद पंचायत मैहर के अंतर्गत अमृत सरोवर तालाब का निर्माण कराया गया था, जिसमें 2 लाख के बिल का भुगतान करने के एवज में REES के SDO गिरीश कुमार मिश्रा 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। 8,25,000 रुपए लेबर की पेमेंट में पेमेंट डाली गई, जिसमें आधा पेमेंट गया। इसके बाद 7,57,000 का मैंने अपने बिल दिया था, इन्होंने किसी दलाल के नाम में बिल लगाया। अच्छा। 3 महीने तक मैं इनसे पूछता रहा कि बिल भाई कब तक आएगा, इन्होंने बोला गुप्ता जी आ जाएगा। तब मैंने नेट में सर्च किया मनरेगा पोर्टल से, तो निशा ट्रेडर्स बाराखुल के नाम में निकला। फिर मैं इनको कॉल किया, मैं कहा सर जी ये गलत बात है, ये बिल को कैंसिल कराइए। बहुत आना कहानी करने के बाद फिर उस दलाल को अपने आप ही से बुलाया, 20,000 की मांग की। फिर इसके बाद 19 तारीख को बिल पेमेंट हमारे खाते में आया। अब इसके बाद इनको 8,000 रुपया वहाँ को देने के लिए चाहिए, 20% मिश्रा जी को चाहिए। क्या नाम है इनका पूरा? जे के मिश्रा, गिरीश कुमार मिश्रा। इनके वजह से हमारे सढ़ेरा पंचायत के बिल रुका हुआ है, अजमान पंचायत कई बिल रुके हुए हैं, घुरभाई पंचायत के बिल रुके हुए हैं, भटूरा पंचायत के बिल रुके हुए। तब ठेकेदार ने लोकायुक्त रीवा के SP गोपाल सिंह धाकड़ के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिस पर आवश्यक जांच के पश्चात गुरुवार को ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई। ठेकेदार को केमिकल युक्त नोट देकर जनपद पंचायत कार्यालय मैहर भेजा गया, और जैसे ही आरोपी SDO ने रिश्वत की रकम हाथ में ली तभी छापा मार कर उसे पकड़ लिया गया। जीके मिश्रण के खिलाफ शिकायत आई थी हमारे पास कि ये बिल पास करने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। तो आवेदक सुरेश प्रसाद गुप्ता जो है, ये ग्राम घुरवाई के रहने वाले, ठेकेदार के काम किया, अमृत सरोवर तालाब बनाए थे, उसमें 2 लाख रुपए का बिल इनका पेंडिंग था और इसमें 20,000 रुपए की मांग की गई थी। शिकायत पश्चात सत्यापन किया गया, फिर SP साहब के निर्देश पर आज ट्रैप कार्रवाई आयोजित की गई और आरोपी को 20,000 रुपए लेते हुए उसके ऑफिस में ट्रैप किया गया। आरोपी SDO के खिलाफ अपराध दर्ज कर जाँच की जा रही है।